हाय एवरीवन, दिस इज़ विरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं बीटी ब्रिंजल की। देखिए, ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है। इसको लेके क्या कंसर्न्स हैं इस टाइम इंडिया में और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मर्स पे, कंज्यूमर्स पे, प्राइजेस पे, न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेके, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं सीएससी 2020, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने 100% सिलेबस कवर किया है और टॉप फैकल्टीज़ जो हैं इंडिया की, उनके द्वारा ये कोर्स बनाया गया है। अब आप मंथली भी इसको ले सकते हैं, 625 पर मंथ ओनली। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक की रेलेवेंस की बात करें, देखिए मेंस पेपर 3 में ये आपका टॉपिक कवर होगा। वैसे साइंस एंड टेक में भी ये पूछा जा सकता है, ऐसे भी आपको जीएम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है तो आप वहाँ पर भी इसको मैंशन कर सकते हैं, राइट? तो ऑब्जेक्टिव लेवल पर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव लेवल पे क्या कंसर्न्स हैं, स्पेशली बीटी ब्रिंजल को लेके काफ़ी न्यूज़ में है, किस तरीके से इन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बीटी ब्रिंजल जो है, ये जो ब्रिंजल फ्रूट और शूट बोरर एक इंसेक्ट है जो कि ब्रिंजल की फसल को ख़राब कर देता है, ये उसको रिजिस्ट करता है। अगर बीटी ब्रिंजल हम ग्रो करेंगे तो इस इंसेक्ट का इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन बीटी ब्रिंजल जो है वो भारत में फ़िलहाल लीगल नहीं था, और हरियाणा में एक महीने पहले ये पाया गया कि जो कुछ लोग हैं इसको ग्रो कर रहे हैं, बीटी ब्रिंजल को वहाँ पे उगाया जा रहा है। लेकिन जो बीटी ब्रिंजल एक इंडियन कंपनी है मैको, वहाँ पे मॉन्सेंटो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जीएम क्रॉप्स के लिए, 26% स्टेक है। उन्होंने भी एक बीटी ब्रिंजल बनाया था जो कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, जिसको बेचा नहीं जाएगा। ये जो बीटी ब्रिंजल हरियाणा में ग्रो किया जा रहा है और जो इस कंपनी द्वारा बनाया गया था, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। अब देखिए, बीटी ब्रिंजल की बात करेंगे, जो इस कंपनी द्वारा, इंडियन कंपनी द्वारा बीटी ब्रिंजल बनाया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया था, उसकी सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया था 2010 में ही। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने चाहे इसको क्लैंप डाउन कर लिया, इलीगल जीएम क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं उगाया गया हरियाणा में, और उसके बाद जो फार्मर ग्रुप्स हैं वो डिमांड करते हैं कि जो इस कंपनी द्वारा बीटी ब्रिंजल है या बाकी के जो हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनको रेगुलेटरी पाइपलाइन में लाया जाए, ताकि उसका इलीगल कोई उसको उगाए ना, और उस पर रेगुलेशन जो हैं, उसको बिल्कुल बैन करने की जगह उस पर रेगुलेशन जो हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। अब देखिए, तब क्या हुआ था, 2010 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने इसका जो सस्पेंशन मोरेटोरियम जो है वो इम्पोज कर दिया गया था इस कंपनी पे, कि ये बीटी ब्रिंजल को अब नहीं बेचेंगे। लेकिन जो हमारी एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है जीएम क्रॉप्स को, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उसने अपना क्लियरेंस जो है वो दे दिया था बीटी ब्रिंजल को। तो ये आपको, ये इसका एपेक्स बॉडी का नाम भी GEAC, ये याद रखना है। देखिए, बीटी ब्रिंजल क्या है, थोड़ा सा ये भी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल है। ट्रांसजेनिक मतलब जब भी हम जीन्स किसी और चीज़ में डालते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, तो उसको हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, उसके डीएनए के साथ हमने मॉडिफिकेशंस की होंगी। तो इस केस में, बीटी ब्रिंजल के केस में, एक हमारा जीन है जिसको हम बोलते हैं CRY1AC। ये जीन हमने एक सॉइल बैक्टीरियम है आपका, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो कि बीटी कॉटन में भी आपने उसका नाम सुना होगा, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, उससे ये जीन जो है निकाल के हमने इसमें इंसर्ट किया था, किसमें, ब्रिंजल में। और ऐसा माना जाता है कि ये जीन, इसको ब्रिंजल में इंसर्ट करने के बाद, ये ब्रिंजल के पौधे को, प्लांट को रेजिस्टेंट बना देता है। जितने आपके इंसेक्ट्स ब्रिंजल फ्रूट पे अटैक करते हैं या शूट बोरर होते हैं, जितने आपके लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स, उनके खिलाफ ये
रेजिस्टेंस हो जाता है, वो इसको ख़राब, इसकी फसल को ख़राब नहीं कर पाते हैं। तो ये है बीटी ब्रिंजल की कहानी। और जो हम बार बार जीएम टेक्नोलॉजी या जीएम क्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब है कि उस तरह का ट्रांसजेनिक क्रॉप या प्लांट जिसमें हम नया जेनेटिक मटीरियल डालते हैं, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके। और जीएम क्रॉप में आपका क्या होगा, जीन्स होंगे जिनको आर्टिफिशली इंसर्ट किया होगा, राइट। कई बार तो होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पॉलिनेशन के थ्रू भी दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म के सीड्स, उनके अंदर जो पॉलन्स हैं वो चले जाते हैं, लेकिन उसको हम जीएम नहीं बोलेंगे। जब आर्टिफिशियल इंसर्ट करेंगे तभी हम उसको जीएम क्रॉप बोलेंगे, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए, वैसे अगर आप रियलिटी में सोचें तो हर प्लांट जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल वाइल्ड स्टेट था। देखिए, हम डोमेस्टिकेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराते हैं लंबे लंबे समय तक, तो उसकी वाइल्ड स्टेट जैसे वो ओरिजिनल होगा उससे तो वो चेंज हो जाएगा। तो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन स्पेशली ये टर्म जब हम आर्टिफिशियली करते हैं तब इसको यूज़ किया जाता है। अब हम इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे कि प्राइसेस पे बीटी ब्रिंजल के क्या इम्पैक्ट है, बायोसेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट है, न्यूट्रल इश्यूज पे क्या है, और गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या है, क्यों इन्होंने बैन किया है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये तीन रीजंस दिए हैं, साइंटिफिक रीजंस भी दिए हैं, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी का भी कोई कंसेंसस नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो हम अभी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे ज़्यादा जोर देंगे कि क्यों इसको आखिरकार यहाँ पे बैन किया गया है भारत में। तो पहले हम प्राइसेस की बात करें। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी है, उसकी रिसर्च ने एंटिसिपेट, यानी ये देखा गया है कि फ्यूचर में अगर बीटी ब्रिंजल को लाया जाता है तो ब्रिंजल की जो फसल है वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्रिंजल की फसल इंक्रीज हो जाएगी तो उसके जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे, उसके प्राइसेस गिर जाएंगे तो फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये फार्मर्स के हक में नहीं है। और दूसरी बात, एक और रिपोर्ट है जो ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है, जो कंपनीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगी बीटी ब्रिंजल सीड्स के लिए, जिसके सीड्स हैं उसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगी, और ये चीज़ भी फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो प्राइजेस और कंज्यूमर और फार्मर्स इनकम पे हमने बात की। आगे चलते हैं बायोसेफ्टी इश्यूज पे कि डिफरेंट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। एक आपके डॉक्टर हैं YSR, ये हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी में हैं। इन्होंने हाईलाइट किया कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, जो कैरेक्टराइजेशन है बीटी ब्रिंजल के जो फीचर्स हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा कमियां हैं, और इससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हमारे इकोलॉजिस्ट हैं माधव गडगिल, उन्होंने भी बताया कि अगर हम ब्रिंजल की वैरायटीज़ जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम ये डाइवर्स वैरायटी जो है जीएम क्रॉप की ये लाएंगे तो ये कंटामिनेट कर देगा। क्योंकि देखिए, ब्रिंजल एक ऐसा क्रॉप है जिसका सेंटर इंडिया ही है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कहती है कि जो यहाँ के नेटिव हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके साथ हम जेनेटिक छेड़खानी ना करें, वो उनको, यानी उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको कंटामिनेट कर देगी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जितनी अलग अलग तरह की वैरायटी आपको प्लांट्स एनिमल्स में मिलती है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशन के लिए, कि जो प्लांट का न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको सस्टेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2004 में गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया था बायोटेक्नोलॉजी को लेके, तो उसने भी ये रिकमेंड किया था कि किसी भी तरह का जीएम क्रॉप जो है उसको बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज में नहीं लाया जाए। और इनफैक्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी जीएम क्रॉप्स के ऊपर, उसने भी रिकमेंड किया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग जो क्रॉप्स हैं उन पे बैन होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का जो ओरिजिनल डाइवर्सिटी है उसको हैम्पर करेगा, और ब्रिंजल एक ऐसा प्लांट है ऐसा क्रॉप है जो कि भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है, इसकी रूट्स भारत में ही हैं। उसके बाद अगर न्यूट्रिशनल इश्यूज़ की बात किए जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमको बीटी ब्रिंजल में और ओरिजिनल ब्रिंजल में देखने को मिलते हैं। काफ़ी रिसर्चर्स हैं जो बोलते हैं कि बीटी ब्रिंजल जो है वो काफ़ी तरह के रिस्क उससे
ह्यूमन हेल्थ को हो सकते हैं। इनफैक्ट जो एस स्वामीनाथन या फिर वीएम कटोच जैसे ये जो डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं आईसीएमआर के, इन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह का जो जीएम क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट्स देखे जाएं कि कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है, उसके साथ कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं जुड़ी हुई, और उसके बाद ही इस तरह के क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट रिसर्च जो है, टेस्ट जो हैं, वो ये जो डेटा है कंपनीज़ का, इन पे बिठाया जाना चाहिए और इसको चेक किया जाना चाहिए प्रॉपरली। अब देखिए गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्सेस हैं। इंडिया में किसी भी स्टेट के द्वारा बीटी ब्रिंजल को कोई भी सहायता नहीं मिली है, चाहे केरला या उत्तराखंड हो जाए। केरला और उत्तराखंड ने भी जो बैन है वो जीएम क्रॉप्स पे लगाया है। उसके बाद जो कुछ हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिंजल कल्टीवेशन होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उन्होंने भी अपोज किया है जीएम क्रॉप्स को। इनफैक्ट छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश जो था उसने भी अपोज किया था। अब 2012 और 2017 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, एग्रीकल्चरल एंड कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वो भी बिठाई गई थी जीएम कंट्रोवर्सीज पे। तो अलग अलग तरह की कमेटीज़ बहुत बार बिठाई गई हैं, आपको यहाँ पे कमेटी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेटीज़ ने भी जो रिकमेंडेशन दिया है वो जीएम के अगेंस्ट ही दिया है। और उन्होंने मेन जो कमेटीज़ ने अपना रिकमेंडेशन दिया उनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा कमियाँ लगी, कि जो ये सिस्टम है गवर्नमेंट का, रेगुलेटरी सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। और इन कमेटीज़ ने यही रिकमेंड किया कि एक प्रॉपर टीम बना के इसमें प्रोब जो है वो किया जाए। इंडिपेंडेंट एमिनेंट जो आपके बहुत ही फेमस साइंटिस्ट्स हैं उनको, या इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं उनको इस टीम में इंक्लूड किया जाए, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। और ऑब्वियसली कमेटीज़ ने ये भी रिकमेंड किया कि अगर आप इनको मार्केट में लाते हैं इस तरह का कोई भी जो क्रॉप है, तो उस पर लेबलिंग की जाए कि कौन सा ओरिजिनल ब्रिंजल है और कौन सा जीएम क्रॉप है, ताकि कंज्यूमर का राइट रहे कि वो क्या सब्जी या क्या फ्रूट खा रहा है। और ऑब्वियसली इस पर कोई साइंटिफिक कंसेंसस भी आज तक नहीं मिला है, जैसे बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ ईयर्स बाद हमको पता चला कि बीटी जो ये पेस्ट हैं जिनके अगेंस्ट हमने बीटी कॉटन बनाया था, उनमें भी रेजिस्टेंस आ गया है बीटी कॉटन के खिलाफ, और इसलिए अब अगेन फॉरेस्ट जो फार्मर्स हैं वो किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपके पेस्टिसाइड्स पे। और पेस्टिसाइड्स आप जानते ही हैं कितने हार्मफुल हैं, और इस वजह से 50 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से विदर्भा में, 2017 की बात है ये। देखिए आप जीएम तब लाना चाहते हैं ताकि हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये यूज़ ना करना पड़े, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में जाके अगेन हमको जीएम क्रॉप्स के भी लिए भी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जीएम क्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें कि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ऑर्गेनिक एंड ज़ीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी वजह से, तो लोग जीएम क्रॉप्स की तरफ, फार्मर स्पेशली, जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऑर्गेनिक और ज़ीरो बजट जो है वो ज़्यादा फेमस हो रहा है फार्मर्स के बीच में। अब देखिए इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। देखिए कुछ फार्मर्स हैं जो बीटी ब्रिंजल को ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इनफैक्ट बांग्लादेश में भी 2013 से वो लोग इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स तो एसेस नहीं कर सकते ना कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोलॉजी और हेल्थ पे इसके क्या होंगे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये स्टेप्स ध्यान से, रेगुलेटरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जो भी इनकी टीम्स आज तक बनी है वहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता था, तो जिस तरह से कमेटीज़ ने रिकमेंड किया है कि एमिनेंट साइंटिस्ट को लेके इंडिपेंडेंट प्रोब कराया जाए, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में लेनी चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम बीटी ब्रिंजल लाते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, और अगर मार्केट में आ भी जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है, लेबलिंग कैसे की जाएगी इन क्रॉप्स की, ये भी देखना पड़ेगा, और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके भी जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यही है कि बीटी ब्रिंजल जो है वहाँ पर रेगुलेशंस की बहुत कमी है, जिसको हमें पूरा करना है, तभी हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब तक इसकी हेल्थ इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पूरी तरीके से हमको पता ना चल जाए। देखिए अगर कोई सवाल आता है कि क्या हमें जीएम क्रॉप्स की ज़रूरत है, तो देखिए इसके बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि इससे जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, फार्म कॉस्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, फार्म प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और बाकी हेल्थ एनवायरनमेंट पे हमको स्टडी करनी है।
अगर कोई बोले कि जीएम क्रॉप्स नहीं आने चाहिए, तो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, अगर कोई बोले जीएम क्रॉप्स नहीं आने चाहिए, बिग नो, तो उसके भी रीजंस हैं, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो आज हमने पूरे इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारा जो क्लैरिटी है जीएम क्रॉप्स के बारे में वही क्लियर नहीं है, और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी कोई कंसेंसस नहीं है, और उसके बाद एक थ्रेट जो हमें बायोडाइवर्सिटी और डोमेस्टिक क्रॉप्स को दिखती है वो भी देखने को मिलती है। तो चलिए, यही हमारा आज का लेक्चर, आपके लिए यही सवाल है कि आप क्या बोलते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं, इसी तरीके से आप इसको असेस कीजिए, और क्या नेगेटिव्स हैं, और फिर कमेंट कीजिए कि किस तरह से ये जो जीएम क्रॉप्स हैं हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आगे ये भी क्वेश्चन है कि करना चाहिए या नहीं। थैंक यू, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।